9324111902 में अगर आपको कोई भी क्लासेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ओनली व्हाट्सएप करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब मैंने दो दिन आपको पढ़ाया है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की अवधारणा। फर्स्ट लेक्चर आपका पूरा चला गया था, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपकी क्लास कुछ समय बाद रुक गई थी। चलिए कोई बात नहीं, आज फिर से हम कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी में आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जितनी अभी क्लास हुई उसमें कोई भी डाउट है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले आते ही डाउट्स क्लियर करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि सूचना की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचना की अवधारणा, थोड़ा सा हमने देखा था कल इंफॉर्मेशन का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हम इंफॉर्मेशन में मौखिक सूचना से लेकर और इस समय जो वर्चुअल सूचना के युग में कैसे पहुंचे वो हमने देखा। अब देखिए बच्चों, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैं वही पढ़ाऊंगी जो आया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन या परिभाषा, सूचना की परिभाषा, जहां जहां से क्वेश्चन आते ही रहे हैं तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे डेफिनेशन या परिभाषा। पहली परिभाषा है वो दी है हॉफमैन ने, पहली परिभाषा है वो है हॉफमैन की। नाम है इनका हॉफमैन और बात की इन्होंने संपूर्णता की। लिखिए, पहली परिभाषा है हॉफमैन की, लिखिए विचारों तथ्यों, विचारों तथ्यों, संख्याओं, विचारों तथ्यों संख्याओं अथवा विचारों तथ्यों संख्याओं अथवा विचारों की संपूर्णता को, अथवा विचारों की संपूर्णता को, विचारों की या वक्तव्यों कर लो, अथवा वक्तव्यों, वक्तव्य होता है ना कोटेशन, कथन जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट, अथवा अथवा वक्तव्यों की सूचनाओं को की संपूर्णता को, वक्तव्यों की संपूर्णता को सूचना कहते हैं। विचारों तथ्यों संख्याओं अथवा वक्तव्यों की संपूर्णता को सूचना कहते हैं। लिख के बताऊं क्या बच्चों अगर गलती हो रही है तो? विचारों तथ्यों संख्याओं अथवा वक्तव्यों की संपूर्णता को
सूचना कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कोई भी हमारा विचार है, कोई भी विचार हो सकता है ना, कोई तथ्य हो सकता है, कोटेशंस हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, या हमारा कोई भी ऐसी बात जो प्रमाणिक है, जो संपूर्ण है। बात किसने की है? हॉफमैन ने। आपको याद करने का तरीका क्या है? बात किसने की है? हॉफमैन ने। और बात किसकी की है? संपूर्णता की। इस तरीके से आपको याद होगा। मतलब संपूर्ण मतलब जो प्रमाणिक है, ऐसे कोई हवा में कही हुई बात सूचना नहीं हो सकती, ठीक है ना। आप ऐसे इधर उधर की बात कर रहे हो, वो है आपका उम्र, वो अफवाह है। सूचना तो तब है जबकि वो संपूर्ण है। संपूर्ण कब होगी? जबकि उसको आपने, मैंने और सारे जगत ने स्वीकार कर लिया है। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। क्लियर है? हॉफमैन की परिभाषा है, एग्जाम में आती है, लिखना हमें जरूरी है। मैं दूसरी परिभाषा हम लिखेंगे, और दूसरी परिभाषा है आपकी मैकल्प तथा मैंसफील्ड। मैकल्प तथा मैंसफील्ड। मैकल्प तथा मैंसफील्ड, पहले परिभाषा लिखवाऊंगी फिर समझाऊंगी कि क्या कहा है मैकल्प तथा मैंसफील्ड ने। लिखिए, इंग्लिश में लिख लिया करो बच्चों। सूचना अल्पकालीन, पहले लिख लीजिए, सूचना अल्पकालीन तथा क्षणभंगुर है। सूचना अल्पकालीन तथा क्षणभंगुर है, जबकि ज्ञान दीर्घकालीन तथा सार्वभौमिक है। दीर्घकालीन तथा सार्वभौमिक है। सूचना अल्पकालीन तथा क्षणभंगुर है, जबकि ज्ञान दीर्घकालीन तथा सार्वभौमिक है। अब यहां पे बात की जा रही है, सूचना तो अल्पकालीन है और क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर क्या होता है? पानी का बबूला। क्षणभंगुर जो एक क्षण में ही खत्म हो गया, भंगुर यानी खत्म हो गया। तो सूचना तो क्या है? उन्होंने कह रहा है क्यों सूचना क्षणभंगुर है, क्यों कहते हैं सूचना को क्षणभंगुर है? अल्पकालीन है, छोटे से समय के लिए पानी का बबूला है, जबकि ज्ञान है वो लाइफ टाइम है, दीर्घकालीन है और यूनिवर्सल है। यहां पे मैकल्प और मैंसफील्ड ने इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में अंतर करने का प्रयास किया है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज नॉलेज? आप जानते हो कि सूचना का क्या है? ये सर्किल है जो लगातार लगातार चलता रहता है। सूचना विस्फोट होता है, लगातार रिसर्च होती है, एक चीज बनती है, मोबाइल का एक वर्जन आता है, फिर उसमें रिसर्च होती है, फिर मोबाइल का दूसरा वर्जन आ जाता है, इसी तरह गाड़ियों के वर्जन, इसी तरह आप देख रहे हो शूज, हर चीज में क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन तो क्या है? लगातार अनवरत प्रयास है। वो ज्ञान कब बन जाता है? जबकि उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है, तब वो ज्ञान बनता है। जैसे रविनाथन ने 5 years ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की बुक लिखी, तो उन्होंने जब लिखी किताब, तो उनके एडवर्ड बी रॉस मैथ्स के प्रोफेसर थे, जो उनके गुरु भी थे, ब्रिटेन के थे। रंगनाथन आजादी से पहले से ही काम कर रहे थे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, जबकि भारत पे ब्रिटेन का राज्य था। तो वो
मद्रास यूनिवर्सिटी में गणित के प्राध्यापक थे और एडवर्ड बी रॉस भी गणित के प्राध्यापक थे। तो रंगनाथन क्योंकि मेधावी छात्र थे और पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, उन्हें लगता था कि बच्चों को कुछ नया नया ज्ञान दूं, तो नए नए ज्ञान देने के लिए नया नया पढ़ना पड़ेगा। कोई भी अगर ये चाहता है कि मैं उसको नॉलेज दूं तो उसको खुद नॉलेज होगी तभी वो दे पाएगा। तो रोज वो जाते थे लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी में जाते थे तो लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स या बुक्स कम नहीं थी, मद्रास यूनिवर्सिटी के पास ज्ञान का खजाना था, बट उनका समय हो जाता था उस ज्ञान के खजाने को ढूंढने में। वो सोचते थे कि आज मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री या कोई भी मैथ्स का टॉपिक, तो उनको मैं ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री जो टॉपिक पे बुक ढूंढने जाते थे वो तो नहीं मिलती थी, और दूसरे टॉपिक की खूब किताबें मिल जाती। फिर दो दिन बाद जाते तो उनको ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री की मिलती। कारण क्या था? अव्यवस्था थी। उन्होंने एक दिन आकर और अपने जो प्रोफेसर थे एडवर्ड बी रॉस उनसे कहा कि मद्रास यूनिवर्सिटी या हमारी यूनिवर्सिटी में इतना पैसा खर्च किया गया है पर किताबें उपयोग नहीं हो रही। उनका अपना एक्सपीरियंस था। तो एडवर्ड बी रॉस ने कहा तुम्हारा कहना है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है। उन्होंने तुरंत लिखा और जो पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र था उसको समर्पित किया उन्होंने अपने गणित के प्राध्यापक एडवर्ड बी रॉस को। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि रंगनाथन ने अपना जो पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है उसको किसको समर्पित किया है? एडवर्ड बी रॉस को। और रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तक किसको समर्पित किया? अपनी पत्नी को। दोनों में फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस। फर्स्ट लॉ उन्होंने कहा ये क्योंकि उन्हीं की उपज है, उन्होंने बोला तुम्हारा मतलब है किताबें उपयोग के लिए, उन्होंने कहा क्यों खरीदी है, खरीदी और कोई यूज करता ही नहीं है। मैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो इस तरह की बात कर रहे थे तभी उन्होंने कहा कि पुस्तकें उपयोग के लिए उन्होंने लिख लिया और ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया, बना ना। अभी आप हम यूके यूएसए जापान अमेरिका हर देश का हर व्यक्ति हर लाइब्रेरी साइंटिस्ट कहता है कि बुक्स आर फॉर यूज, लेकिन किसने दिया? रंगनाथन ने दिया। रंगनाथन को आइडिया दिया एडवर्ड बी रॉस ने। जब ये बात कर रहे थे वो दोनों, जब उन्होंने लिखा था तो ये सूचना थी, सूचना अल्पकालीन तथा क्षणभंगुर है, लेकिन जब इसको फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में उन्होंने प्रकाशित कर दिया और पूरे संसार के सभी व्यक्तियों ने स्वीकार कर लिया कि जो रंगनाथन ने पांच सूत्र बनाए हैं वो वाकई में सत्य है, प्रमाणिक है और ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक पुस्तक उसके पाठक को और पाठक को पुस्तक मिले और उसमें समय खर्च नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बन गया? क्या बना? ज्ञान। तब तक सूचना थी जब दो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स बात कर रहे थे, तब तक सूचना थी जब वो लिख रहे थे अपने आप, तब तक सूचना थी जब उन्होंने 1000-2000 पेज लिख लिए थे इस पे, वो तब ज्ञान बनी जब वो बुक्स के रूप में प्रकाशित हो गई, वो तब ज्ञान बनी जब उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो तब ज्ञान बनी जब रंगनाथन की टांग खिंचाई हुई कि जो लाइब्रेरी साइंटिस्ट है कोई इंडिया में जो ऐसी बात करता है वो क्या यह सच है, उसको कई लोगों ने एग्जामिन किया और जब वो एक्सेप्ट हो गई तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया और उसके बाद रंगनाथन पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के रूप में बहुत पॉपुलर होने लगे। समझ आ गई बच्चों? ये परिभाषा कई बार पूछी गई है एज इट इज, किसका कथन है? परिभाषा में से या तो कोई कोटेशन या टॉपिक उठाते, मैं परिभाषाओं को बहुत ध्यान से पढ़ाती हूँ। कारण क्या है? क्योंकि आप पढ़ के भी नहीं समझ पाते, परिभाषाओं में मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ ताकि आपका यहाँ अभी इसी वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप कहीं कोई दिक्कत ना करें, बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए तीसरी परिभाषा है, वो है बल्किन की। कई बार आई है बल्किन की परिभाषा, कई बार आई है और ये भी पूछा है कि बल्किन इज रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन साइंस। तो नेक्स्ट है परिभाषा बल्किन, बल्किन ने क्या कहा है बच्चों? बल्किन ने कहा है सूचना उसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, सूचना उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन करने की क्षमता हो। सूचना उसे कहते हैं
जिसमें परिवर्तन करने की क्षमता हो। उठा के देखिएगा केवीएस या एनवीएस 2019 के पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आया है। हु सेड, परिवर्तन कर दे वो इंफॉर्मेशन है और फल तो आपका टाइम खराब कर दे वो गॉसिप है, वो अफवाह है, वो सूचना नहीं। जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, आपकी लाइफ को बदल दे, दैट इज इंफॉर्मेशन। समझो, आपने कहीं से भी कुछ पढ़ा और आपका सिलेक्शन हो गया, आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े और आप सरकारी नौकरी पा गए, तो वो थी इंफॉर्मेशन। और आप कहीं किसी गलत प्लेटफॉर्म, गलत बुक या गलत इंस्टीट्यूट या गलत उससे, और आपका पूरा टाइम खराब हो गया, करियर खराब हो गया, वो इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, समझ आ गया। सूचना उसको कहते हैं जो आपको परिवर्तित कर दे, आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, आपको अलग ले आए, जैसे रंगनाथन के विचार, ठीक है, जैसे कृष्ण कुमार की किताबें आप पढ़िए, जैसे जो भी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट है, उन सबके विचार जो तर्क संगत राय प्रमाणिक है, दैट इज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, चौथी परीक्षा है, वो है इवांस की। एजे इवांस है ये शार। परिभाषाएं छोटी है तो बुरी याद करनी है, बड़ी है तो उसमें से उठाना है एक्सेप्ट। बैकअप कथा मेंसफील्ड की परिभाषा में यह पूछा जा सकता है कि किस सूचना वैज्ञानिक या किस पुस्तकालय वैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा में ज्ञान तथा सूचना को समझाया है या ज्ञान तथा सूचना के मध्य अंतर करने का प्रयास किया है। मैंने किया ना ज्ञान और सूचना के बीच, आपको बहुत फाइव लॉज का बहुत बड़ा उदाहरण इसीलिए दिया है, दिया ना, जब वो बात कर रहे थे तो वो सूचना थी और जब बुक हो गई तो ज्ञान बन गया। समझ रहे हो ना, अब ये आपको लगाना है। मैंने आपको क्लास में लंबी चौड़ी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको आपके हाथ बता दिया, ठीक है ना। अब एजे वंस ने क्या कहा था, तर्क संगत राय लिखो, तर्क संगत राय विचार अथवा विचारों का समूह अथवा विचारों का समूह सूचना कहलाती है। तर्क संगत राय विचार अथवा विचारों का समूह सूचना कहलाती है। व्हाट इज तर्क संगत राय विचार कोई लॉजिकल स्टेटमेंट है, लॉजिकल आइडिया है, लॉजिकल बात है, वो है सूचना। समझ रहे हो, जिसका ना सिर है जन्नत, जिसका पैर है कि साहब लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस की वैकेंसी आने वाली है अगले महीने, ये कोई लॉजिकल बात है। अगर मैं यहां आके बोल रही हूं कि आपका केवीएस का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, मार्च में, कोई लॉजिकल बात है? मैं कौन होने लगी फरवरी या मार्च बताने वाली? जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो बताएगी, ना तो जिसका सर है ना तो जिसका पैर है, वो क्या है? वो सूचना नहीं है। लॉजिकल अगर आप बात करे हो, कहते ना मन क्या बेकार की, क्या तुम फालतू की इधर उधर की करते रहते हो, तो वो सूचना वो है। एजे मास ने कहा कि जो लॉजिकल है, जिसमें दम है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसे हर कोई बात है वो सूचना नहीं है। मैं तुम्हें बहुत बढ़िया जानकारी देता हूं, वो जानकारी में क्या होता है, जो बताना मत किसी को, बताना मत, वो क्या होती है, इधर की उधर, दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन तो वो है जो प्रमाणिक है, मतलब इंफॉर्मेशन तो वो है जो अगर सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड है तो आरपीएससी दे, थर्ड ग्रेड से रिलेटेड है हमारे राजस्थान की तो आरएसएसबी दे, केवीएस से रिलेटेड है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की एजेंसी या जो एग्जाम कंडक्ट करेगी वो बोलेगी दैट इज लॉजिकल, जिसमें हमें भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट परिभाषा है विलियम जे मार्टिन की। विलियम जे मार्टिन की परिभाषा है और ये परिभाषाएं पूछी जाती है बच्चों।
कई बार आई है, आपको शायद याद भी आ गई होगी। विलियम जे मार्टिन कौन है? तो एक शब्द भी बनाया है, कौन सा शब्द है? यस्टरडे फुल क्लास नहीं आई सागर, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अपलोड दिस क्लास राइट नाउ। आप आज की क्लास देखिए, कल की क्लास तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो जो हो रहा है उसको देखो बच्चे। और कंटिन्यू करना है तो एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए हमसे। आप डेली क्लास लूंगी मैं तो 9 से 11, ठीक है। विलियम जे मार्टिन है, कौन है बताइए ये बच्चों, याद है कुछ आपको? सूचना समाज शब्द किसने बनाया था? इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द के जनक या प्रतिपादक है विलियम जे मार्टिन। सूचना समाज शब्द जो जापान में आया था 1966 में विलियम जे मार्टिन ने ही बनाया था। तो इन्होंने सूचना की परिभाषा क्या दी है? सूचना उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों है। लिखिए, सूचना उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों है। सूचना उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों है। इंफॉर्मेशन इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बोथ। उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्शन है ना, कुछ भी, कोई भी हो सकता है उत्पाद, कोई भी हो सकता है वो आपका कोई मतलब मान लीजिए कोई घरेलू उत्पाद हो सकता है या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। यहां पर उन्होंने क्या बात की है देखिए, इसमें कितनी गहराई है। एक लाइन लिखी उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों, लेकिन कितनी गहरी बात की उन्होंने। उन्होंने क्या कहा है कि इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि रुक जाना। इंफॉर्मेशन वो है जो, जैसे मान लीजिए आज कोई भी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आया मान लीजिए कि आपका आईफोन का या सैमसंग का या कोई भी मोबाइल आया S22, ठीक है, सैमसंग S22, तो प्रोडक्ट सैमसंग का S22, लेकिन 100% दिवाली पर S23 या उसका कोई नया वर्जन आएगा। तो वो यहां पर जनवरी में न्यू ईयर पे S22 आया और दिवाली पे S23 आएगा, तो प्रोडक्ट है S22, लेकिन प्रोडक्ट के बनते ही क्या चालू हो गया? प्रोसेस चालू हो गया। किसके लिए प्रोसेस चालू हो गया? नेक्स्ट वर्जन के लिए। तो उन्होंने कहा सूचना तो वो है जो लगातार चलती है, ये नहीं कि ठहरा हुआ तो पानी भी खराब होता है ना, ठहरा हुआ तो पानी भी बदबू मारने लगेगा। तो चलते रहना इज इंफॉर्मेशन। इनका मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन का मतलब यह नहीं है, अब जैसे रंगनाथन की 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वो यूनिवर्सल है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यूनिवर्सल है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तभी हम यहां खड़े हुए, पृथ्वी ने हमें खड़ा किया हुआ है, क्योंकि बिकॉज देयर इज ग्रेविटी इन आवर अर्थ, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम उड़ नहीं रहे बाकी ग्रहों की तरह, हम जमीन पर ठहरे हुए। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, या बल्ब बनाया, बहुत सारे से जानते हैं जो यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? इंफॉर्मेशन क्या है? अभी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चलती रहेगी। नॉलेज है जो प्रूव हो गई, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसमें आगे क्या होगा? है बिल्कुल, खूब लोगों ने चेक किया कि नहीं गुरुत्वाकर्षण नहीं है, हम तो इसलिए नहीं पृथ्वी पर, बहुत लोगों ने इस पर रिसर्च की, लेकिन फाइनली सबका एक ही परिणाम आया कि नहीं, हम इसलिए हैं पृथ्वी से, हम धरती पर इसलिए हैं क्योंकि हम उड़ क्यों नहीं रहे मंगल ग्रह की तरह, क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण है। तो इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन क्या? प्रोडक्ट है एंड प्रोसेस, लगातार मतलब कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे लगता है आपको सारी परिभाषाएं समझ आई होगी। यहाँ पे ये परिभाषा कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, एग्जामिनेशन के पेपर उठाकर जरूर देखा करो, ये वाली परिभाषा है, कई बार पूछी है। बल्किन की तो मैं बता रही हूँ, 2019 में भी एक पेपर आया था, उसमें पूछी गई है। जो मार्टिन का तो नाम सूचना समाज से जुड़ा हुआ है, अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहां तक सूचना की परिभाषा? अब बच्चों अब हम देखेंगे इस इंफॉर्मेशन शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कब बना है ये इंफॉर्मेशन, बताइए। सूचना की बात कर रहे हैं हम, तो सूचना की हमने परिभाषा भी देखी, अर्थ पढ़ रहे हैं पहले मैंने आपको, अर्थ बता के फिर उसके डेवलपमेंट बताया था।
अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट हमने देखा कल, अभी हम देख में डेफिनेशन देखी, अब ये सूचना शब्द कब बना? कई बार आया ना प्रश्न, आया कि नहीं आया? ये बना है 1960 में, 1960। अब देखो मजेदारी की बात, देखो इंफॉर्मेशन साइंस कब बना है, ये मैं भी सोच के कभी कभी हैरान होती हूं, इंफॉर्मेशन साइंस कब बना है? 1959। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब बना है? 1958। और इंफॉर्मेशन सोसाइटी कब बना है? 1966। और इंफॉर्मेशन लिटरेसी कब बना है? 1974। किसने बनाया वो सब हम देखेंगे अभी। जब सूचना की बात आई है तो सूचना के सारे भाई बंधुओं को देख लें कि ये कब कब बने, क्यों देख रहे? क्योंकि प्रश्न आते हैं। इनको हिंदी में लिखाने की तो जरूरत नहीं है, ममता देवी किसका बता रही है? 1970 बेटा, 1974 बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंफॉर्मेशन सोसाइटी 1966 बिल्कुल सही है, विलियम जे मार्टिन ने बनाया इसको, पॉल जे जुरोकोवस्की ने बनाया। लिख लिया बच्चों? चलो एक और चीज देखते हैं जिसमें फिर से क्वेश्चन आता है। अगर हम सूचना का जनरेशन या इंफॉर्मेशन का उत्पत्ति क्रम, इंफॉर्मेशन जनरेशन साइकिल की बात करें, जब हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं सूचना की अवधारणा, तो सूचना पे तो सारे प्रश्न करेंगे ना जो आते हैं, कि छोड़ोगे कुछ? सभी पढ़ेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो केवीएस, वो DSSB, वो RSSB, RPSC या NTA UGC नेट से रिलेटेड कोई भी हो। इंफॉर्मेशन जनरेशन साइकिल अभी भी आया है आपके, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है NBS का, इंफॉर्मेशन जनरेशन साइकिल में सबसे पहले क्या आता है? डेटा, उसके बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद बच्चों नॉलेज, और उसके बाद विजडम। और इंफॉर्मेशन सर्च साइकिल की हम बात करें तो सबसे पहले विजडम, उसके बाद नॉलेज, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड देन डेटा। दोनों लिख लो फिर समझाती हूं मैं। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? पवन। वेरी गुड।
लॉ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. ओके, दिस इज योगिता अवस्थी. आई एम ऑल्सो वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ना, तो वो लॉ डिपार्टमेंट में. गुड मॉर्निंग बच्चे. अंकुर कुमार गुड मॉर्निंग. ममता जयपुर से है. लिख लिया. देखो बच्चों, सबसे पहले क्या बनता है? डेटा. डेटा मतलब क्या होता है? आपसे पूछा गया था व्हाट इज डेटा, कई बार प्रश्न आया है ना. डेटा है तो डेटा क्या होता है? असंसाधित आंकड़े, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. जब हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई भी चीज है, फाइव लॉज ही बनाई, फाइव लॉज का ही ले लेते हैं हम फिर से एग्जाम्पल इसके लिए. तो जब फाइव लॉज रंगनाथन ने बनाई, तो रंगनाथन ने पहली चीज तो डेवी एडवर्ड बी रॉस को समर्पित कर दी कि पुस्तकें उपयोग के लिए है. फिर ठीक है, पुस्तकें उपयोग के लिए उन्होंने कहा तो सब किताबें जमा जमा के रखी जाने लगी. अब उन्होंने कहा पुस्तकें उपयोग के लिए है, उपयोग तो हो ही नहीं रहा, तो लोगों को मोटिवेट करो. जो भी टीचर है उनको बताओ कि भाई हमने ये किताब मंगाई है, ये किताब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? लेकिन उन्होंने कहा कि पुस्तकों का उपयोग तो जब होगा जबकि हर रीडर को उसकी किताब से जोड़ा जाए, और कुछ बुक ऐसी है जो रीडर्स हैं उनको भी जोड़ा जाए. और उसने कहा कि इनका यूज नहीं होगा जब तक कि आप टाइम वेस्ट करोगे. पुस्तक उपयोग के लिए तो है, मैं भी करता हूं उपयोग, लेकिन दो दिन बाद. आज वाली किताब तो मुझे मिलती नहीं है, मैं दो दिन बाद मिलती है तो नहीं. इसमें क्या होना चाहिए? सेव द टाइम ऑफ रीडर. अब इसको उन्होंने, जब ये बात उन्होंने सोची कि जो भी पुस्तकालय विज्ञान को, जो एक्चुअल में फाइव लॉज है ना, वो एक अच्छा लाइब्रेरियन बनाते हैं आपको. ये आपका, आपकी एथिक्स है, आपके मॉरल्स हैं, आपका आचरण कैसा होना चाहिए लाइब्रेरी में, वो बताते हैं. कि आप एक लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो तो ध्यान रखो कि जो, अगर आप लाइब्रेरियन हो तो आपकी जो बुक्स हैं वो फॉर यूज. ऐसा नहीं हो कि आपने सजा दी लाइब्रेरी, अब आप चाह रहे हो कि भाई साल भर तक मेरी ये किताब यहां रखी, यही की यही रहे, और मैं अपनी चेयर से लू नहीं, क्योंकि बच्चे ने यहां से यहां करी तो मुझे तो फिर हिल के वापस करनी पड़ेगी ना, तो मेरी तो किताब सजी रहे. नहीं, हर रीडर को किताब मिलनी चाहिए. जो भी आपके पास आ रहा है उसके पास मे आई हेल्प यू, क्योंकि लाइब्रेरी तो एक है ही पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सेवार्थ संस्थान है, सेवा करने वाली संस्था है. तो उन्होंने कहा कि हर रीडर को, आपने पुस्तक उपयोग के लिए, इसके लिए मैंने क्या करा, अपनी पूरी लाइब्रेरी को जमा दी. अब जितने भी यूजर आ रहे हैं उनको उनकी किताब मिले, इसमें मैं पूरा एफर्ट लगाऊं. कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको की कोई यूजर नहीं पढ़ता, तो उसके लिए मैं उनको बाहर निकालू, एग्जीबिशन लगाऊं, बच्चों को बताऊं, मोटिवेट करूं कि ये किताबें भी है हमारे, और इन सब में उनका टाइम खर्च नहीं करूं. ये एक अच्छे लाइब्रेरियन की विशेषता है. एक अच्छा लाइब्रेरियन बनना है तो ये सब करना पड़ेगा. और फिर उसके बाद में जो पांचवा सूत्र बनाया मैंने, वो तो लाइब्रेरी की प्लानिंग या लाइब्रेरी की फ्यूचर से संबंधित था कि भाई लाइब्रेरी ये सब चीजें तो कर रहे हो, लेकिन भविष्य का भी ध्यान रखो कि भविष्य में लाइब्रेरी बढ़ेगी. ये सब चीजें जब वो बना रहे थे तो उन्होंने 300 पेज की किताब लिखने के लिए 3000 पन्ने लिखे. वो 3000 पन्ने क्या थे? डेटा थे. उस 3000 पन्नों में से खूब सारी चीजें, उनकी जॉर पूरी भर गई होगी जब उन्होंने इस चीज को लिखा, तो वो डेटा थी, वो इंफॉर्मेशन. जब उस 3000 पन्ने को उन्होंने किताब के रूप में 300 पेज में छाप दिया तो वो क्या बनी? सूचना. जब उसको आपने, हमने, सारे विश्व के लाइब्रेरी साइंटिस्ट ने मान लिया तो वो क्या बन गई? ज्ञान. सूचना तो अल्पकालीन और क्षण भंगुर होती है, लेकिन ज्ञान क्या है? यूनिवर्सल. ठीक है, अब इस ज्ञान को आपने, मैंने, बाकी सारे लाइब्रेरी साइंटिस्ट ने अपनाया कि रंगनाथन ने कहा है, पूरे विश्व ने मानी है कि ये तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरियंस को ये तो करना ही चाहिए, ये तो उनकी ड्यूटी है. तो जब आप इस चीज को आत्मसात कर लिया आपने, तो ये क्या बन गई? बुद्धिमता. एक इंटेलिजेंट लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को ये सब चीजें, ये तो हमारे एथिक्स है, ये तो आचरण संहिता है. के एम शिवरामन ने कहा है कि कोई भी लाइब्रेरियन को कैसा आचरण करना चाहिए अपनी लाइब्रेरी में, अगर वो ये सीखना चाहता है तो उसको फाइव लॉज को फॉलो करना चाहिए. तो जब फॉलो करने लगे लोग तो वो क्या बन गई? जिन्होंने फॉलो किया वो लाइब्रेरियन क्या बन गए?
बुद्धिमती बुद्धिमान लाइब्रेरियन जिनकी लाइब्रेरी लगातार ग्रो करती गई है। समझ आ गई बात? तो ये है, इंफॉर्मेशन जब बनती है तो सबसे पहले डेटा होता है, फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बनती है, उसके बाद वो नॉलेज बनती है, और जब लोग उसको अपने ऊपर क्रम में लेने लगते हैं तो विजडम के रूप में हो जाती है। ठीक है, शोध गंगा शोध गंगोत्री के बारे में, बिल्कुल शोध गंगा शोध गंगोत्री बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। अब जब हम सोच खोज करते हैं, जब सूचना को आप खोज कर रहे हो तो उल्टे में करते हैं, ठीक है। सूचना का खोज करने का मतलब है सबसे पहले विजडम, विजडम से नॉलेज, और नॉलेज से आपकी इंफॉर्मेशन, एंड देन डेटा। ये क्या है पता है? फाइव लॉज पर भी आपको पता है। अब सबने, हमने सबने मान लिया कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना। आपको पता है ना, कुछ लोगों ने रंगनाथन की फाइव लॉज को नकारा, तो नकारने के लिए क्या करा उन्होंने, उस पर रिसर्च करनी चालू की। उन्होंने कहा कि पुस्तकें लाभ कमाने के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक दी जाए और उससे नकद रुपया लिया जाए, उससे बिल की कॉपी दी जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि इतना पैसा खर्च कर रहे हो आप, 5-5 रुपए भी दोगे तो लोग लेंगे, और 5-5 रुपए में कितना पैसा कमा लोगे आप। लेकिन जो जितने भी वर्ल्ड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उन्होंने इस चीज को नकारा कि दिस इज नॉट राइट। जो रंगनाथन कह रहे हैं वो सही, हाँ रंगनाथन ने एक दो और रंगनाथन की 5 सूत्रों में एक दो जोड़े। जब आप कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाती है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये मान लिया, लेकिन उसके ऊपर जो आजू बाजू की रिसर्च, विजडम फिर नॉलेज फिर इंफॉर्मेशन फिर डेटा, मतलब आप किसी भी, जब भी कोई चीज बहुत पॉपुलर हो जाती है तो आपको पता है उस पर टांग खिंचाई होती है, तो टांग खिंचाई के लिए वो क्या करेगा, डेटा इकट्ठे करेंगे। तो ये है आपका सूचना खोज क्रम, कहां से क्या है, विजडम नॉलेज इंफॉर्मेशन एंड डेटा, ये उल्टा चलता है। ये प्रश्न आपका कई बार आया है, सूचना का उत्पत्ति इंफॉर्मेशन जेनरेशन साइकिल ये किस तरीके से आता है, ये आपको ऐसे रख देते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, ये चौथा ये है ना विजडम है यहां, है ना, या ये कर देते हैं डेटा विजडम नॉलेज इंफॉर्मेशन, या डेटा नॉलेज इंफॉर्मेशन विजडम। तो ये आपको पूरे क्रम से लगाना है, इसको क्रम से याद करना है। अगर आपने एक क्रम याद कर लिया जनरेशन का, तो आपको सर्च तो अपने आप आ जाएगा, उसको उल्टा कर देना, दैट्स ऑल। अब बच्चों सूचना का सांख्यिक विश्लेषण भी, सबसे पहले रंगनाथन ने, क्योंकि रंगनाथन एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, तो उन्होंने लाइब्रेरी को भी साइंस बना दिया। आपको पता है ना पुस्तकालय में विज्ञान शब्द को जोड़ने का श्रेय रंगनाथन को ही है, उन्होंने इसको भी एक साइंस की तरह, मैथमेटिक्स की तरह, जहां पर प्रूव करने की क्षमता हो जिसमें, वो बना दिया था उन्होंने लाइब्रेरी को भी। तो इसको साइंस बनाने के लिए क्या क्या काम किए गए, तो लिखिए सूचना का सांख्यिक विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा बच्चों, सांख्यिकी है। सूचना का सांख्यिकीय विश्लेषण, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम, जो भी आता है इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन, ये छोटे छोटे ही बता रही हूँ, बहुत लंबी चौड़ी रामायण तो नहीं पढ़ रही हूँ, जैसा आप कहते हो कि बहुत लंबा पढ़ाती हूँ। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंतर्गत सांख्यिकी विश्लेषण है सूचनाओं का, इसका श्रेय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस
जो सूचनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो शुरुआत की थी वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने की थी। आपको बता दूं सांख्यिकी विश्लेषण क्या होता है, जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत सूचनाओं का हम मानदंड है, क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है, उसको जांच करने के उपकरण है। समझ आ गया? उसको जांच करने के, उसको प्रूफ करने के, उसको आपको समझाने के उपकरण है। जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अगर आप में से किसी ने पीएचडी की है तो आप जानते हो कि हम पीएचडी में सांख्यिकी विश्लेषण जरूरी होता है। पाई चार्ट या बार ग्राफ या टेबुलर फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, कभी कभी हम बाहर से भी कराते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर हम कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो। तो यहां पर सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में 1948 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिब्रामेट्री की विचारधारा बनाई थी। बनाई थी कि नहीं बनाई थी? लिब्रामेट्री का किसने प्रतिपादन किया था? लाइब्रेरी में मैट्रिक्स लगा दिया, मैट्रिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग। लिब्रामेट्री ये कई बार आता है कि नहीं आता क्वेश्चन? आप लोगों ने देखा है कि नहीं एग्जाम में? अरे चुप क्यों हो बच्चों? लिब्रामेट्री किसने बनाया, कब बनाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिब्रामेट्री? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वॉइस क्लियर क्यों नहीं है बेटा? आई थिंक वॉइस इज क्लियर। अंकुश, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, गंगा तो बड़ी होती है ना, जो थीसिस जहां पर मिलती है वो शोध गंगा है, और जहां सिनोप्सिस, गंगोत्री तो छोटी है जहां से गंगा निकल रही है, तो जहां सिनोप्सिस यानी थीसिस करने से पहले उसको प्रूव करने के लिए हमें 5-7-10 पेजेस की कुछ लिखनी पड़ती है रिपोर्ट, और वो अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो आप उस पर रिसर्च कर पाते हो। तो गंगोत्री तो छोटी है, तो गंगोत्री में होती है थीसिस, गंगोत्री में होती है सिनोप्सिस, और गंगा में होती है थीसिस। दैट्स ऑल, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए 1948 में आई लिब्रामेट्री किसने विचारधारा बनाई है? क्वेश्चन रखते हैं बच्चों, जो पढ़ा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देंगे आज, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इंफॉर्मेशन पे, कहां से क्या क्या उठ के आते हैं, एक जगह ले आए हम। दूसरा है वो आपका बना है 1969 में, और वो क्या बना है 1959 में बना है, वो बना है लिब्रामेट्री इन इंफॉर्मेटिक्स बिब्लियोमेट्रिक है, इंफॉर्मेट्रिक्स नहीं है, बिब्लियोमेट्रिक एलन पिचार्ड। बिब्लियोमेट्रिक्स, और ये बनाई है एलन पिचार्ड। किसने बताया? वेरी गुड। किसने बोला हाथ ऊपर करना? किसने बताया था? बिब्लियोमेट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथमिति, और आपका कई बार प्रश्न आया है ग्रंथमिति की विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? एलन पिचार्ड, कब किया? 1969 में। और ये ग्रंथमिति की तीन विचारधाराएं थी, कौन कौन से सिद्धांत थे, इन्होंने तीन सिद्धांत बनाए थे। ग्रंथमिति के तीन सिद्धांत थे, कौन कौन से थे बिब्लियोमेट्रिक्स के? लोटका का, एस सी ब्रेडफोर्ड का, और जिफ का सिद्धांत। तीन सिद्धांत है जो कि ये ग्रंथमिति की विचारधारा या ग्रंथमिति का प्रतिपादन किया एलन पिचार्ड ने। यहां पर तीन सिद्धांत बनाए उन्होंने, लोटका का सिद्धांत, ये बना था 1926 में, और इसको बनाया है अल्फ्रेड जे लोटका। आता है कि नहीं लोटका का सिद्धांत किसने बनाया, कब बनाया? ये सिद्धांत बना है अल्फ्रेड जे लोटका का।
अल्फ्रेड जे लोड़का का सिद्धांत किससे संबंधित है बताओ, जिन्होंने बताया अभी ग्रंथ में थी, याद है? प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर, लेखक की उत्पादकता का। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, लेखक की उत्पादकता का सिद्धांत किसने बनाया? ये बिब्लियोमेट्रिक लॉ है, ठीक है। ग्रंथमिति का सिद्धांत है, ग्रंथमिति की तीन सिद्धांत है, ग्रंथमिति के तीन सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया, लोट का, ब्रेडफोर्ड का और जिफ का। तो लोटका का सिद्धांत 1926 में अल्फ्रेड जे लोटका, ये तो प्रश्न ही, लेकिन लोटका का सिद्धांत किससे संबंधित था? यह लेखक की उत्पादकता का प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर, यह लेखक की उत्पादकता का सिद्धांत था। ये भी पूछा जाता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर इज रिलेटेड विद लोटका का सिद्धांत, लेखक की उत्पादकता का सिद्धांत है वो है लोटका का सिद्धांत। दूसरा आया अपना बिखराव का सिद्धांत, लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ये है आपका एस सी ब्रेडफोर्ड का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं बिखराव का सिद्धांत। लॉ ऑफ स्कैटरिंग इसको बनाया था एस सी ब्रेडफोर्ड ने। और ये है 1934 में। वेरी गुड काव्या। इंग्लिश में लिख तो रही हो लड़के। क्या रमन, क्या समझ नहीं आ रहा? ये भी कई बार पूछा गया, बिखराव का सिद्धांत बिब्लियोमेट्रिक लॉ है, 1934 में आया है, एससी ब्रेडफोर्ड ने बनाया है। बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं आपका आएगा, इसके इनके सबके फॉर्मूलाज है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है तो इनके फॉर्मूलाज है। आगे चले, नेक्स्ट है आपका जिफ का लॉ, थर्ड है यहां पर जिफ का सिद्धांत। इसको बोलते हैं जिफ लॉ ऑफ वर्ड एक्यूरेंसी, वर्ड ऑकरेंस, जिफ लॉ ऑफ वर्ड ऑकरेंस। यानी कि शब्दों की पुनरावृत्ति या आवृत्ति का सिद्धांत। ये बना है 1947 में।
तीनों इंपॉर्टेंट है, बिब्लियोमेट्रिक लॉ, बिब्लियोमेट्री, लिब्रामेट्री, बिब्लियोमेट्री। बिब्लियोमेट्री के कितने सिद्धांत हैं? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा जिफ का सिद्धांत। लोढ़का का सिद्धांत किससे संबंधित है? लेखक की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर से। और ब्रैडफोर्ड का सिद्धांत किससे संबंधित है? बिखराव से, है ना, बिखराव का लॉ ऑफ स्कैटरिंग, इसको बिखराव का सिद्धांत भी बोलते हैं। और तीसरा सिद्धांत कौन सा है? और जिफ का किससे संबंधित है? शब्दों की आवृत्ति, पुनरावृत्ति या एक्यूरेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, तो हमने पहला कौन सा लॉ पढ़ा था? लिब्रामेट्री। दूसरा कौन सा पढ़ा? बिब्लियोमेट्रिक। लिब्रामेट्री किसने बनाया था? कब बनाया? 48 में। बिब्लियोमेट्री किसने बनाया? एलन बिचार्ड। कब बनाया? 1969 में। अब तीसरा है आपका, अब ये देखिए उसको छोड़ दीजिएगा, वो उस बिब्लियोमेट्रिक के थे तीन, ए बी सी, ठीक है ना। अब तीसरा है अपना यहां पर साइंटोमेट्रिक्स। ये बना है 1977 में और इसको बनाया है टी ब्राउनिन। नेक्स्ट है अपना इंफोमेट्रिक्स। इंफोमेट्रिक्स 1979 और इसको बनाया है ऑटोनेक। ठीक है, उसके बाद है वेबोमेट्रिक्स, इसको बनाया है अब्राहम ईयर नहीं है। एक आपका क्वेश्चन आया था 2019 में जो लाइब्रेरी साइंस का, जिसमें मिखाइलो आया था, वो क्या था? वो था इंफॉर्मेटिक्स। ये इंफॉर्मेट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स था। मैट्रिक जहां लग गया है वो है ग्रंथमिति, समझो। यहां पे मिखाइलो आया था, एक उससे मत हमें जोड़ना है। मैंने लिख दिया दोनों, हल्का सा फर्क है। इंफॉर्मेट्रिक, इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स ये ऐसे है। ये आपकी राजस्थान लाइब्रेरियन की 2019 में आया था और ये है मुझे लगता है समझ आया होगा आपको अंदर, वो मिखाइलो था। हम तो ग्रंथमिति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जहां पे सूचनाओं का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, तो उसमें इंफॉर्मेटिक्स नहीं है, बट मैंने आपको अंतर करने के लिए बता दिया है। आ जाइए, यहां तक कोई आपका डाउट है तो पूछ सकते हो आप। क्या नाम है बेटा आपका? नया, कल बात की थी। मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाए हैं अभी तक? आज हमारा तीसरा दिन है लेक्चर का,
कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, अभी हमारा खत्म हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से जो क्वेश्चन आ सकते हैं इंफॉर्मेशन के, आजू बाजू इधर उधर सब ले लिए हमने, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। अब तीसरी चीज है वो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि लाइब्रेरी में सूचना चाहिए, तो पहले हमने लाइब्रेरी देख ली क्या है और कौन बनी और क्या क्या प्रश्न आते हैं, फिर हमने सूचना देख ली कि क्या है और क्या क्या प्रश्न आते हैं। अब लाइब्रेरी में सूचना चाहिए, सूचना को पढ़ने कौन आएगा, आप लोग, हम लोग, तो हम किस में आ गए, समाज में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, एबो मैट्रिक्स का नहीं है बस, बाकी तो सबके हैं, इनके नहीं बाकी तो सबके डाले मैंने, बाकी सबके हैं, और लिखते में ही मैंने बता भी दिया था बच्चे। कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, समाज की अवधारणा, आपको हो सकता है कभी कभी मैं बहुत जल्दी में लिखती हूं, हमेशा मुझे लगता है कि बहुत स्लो लिखने से कंटेंट कम जाएगा, तो आप देखते होंगे ज्यादातर मैं बहुत जल्दी में लिखती हूँ, तो आपको कुछ समझ अपने हिसाब से लिखना है तो उसको आप चेंज कर लिया करो। कर दीजिए, देख लीजिए सर। नेक्स्ट है अपना समाज की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। अब बच्चों समाज क्या है, आप और हम, आप और हम मिलकर समाज बनते हैं, लाइब्रेरी में आप और हम ही जाते हैं, तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है समाज। हम सोशियोलॉजी से नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी को टच करेंगे हम, हल्का सा, क्वेश्चन आते हैं नहीं आते इसलिए थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का का मैंने बताया कि व्हाट इज सोसाइटी। ये समाज शब्द की उत्पत्ति है, ये भी लैटिन भाषा के सोसाइटास से हुई है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम समाज की परिभाषा भी, देखेंगे ज्यादा बड़ी नहीं, जो मेन मेन सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने परिभाषा क्या दी है समाज की, थोड़ी बहुत टच करेंगे क्योंकि हम भी सामाजिक प्राणी है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब बच्चों लाइब्रेरी में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लाइब्रेरी थी मौखिक, है ना, लाइब्रेरियन थे जो व्यक्ति जिसको ज्ञान आता था वो चलते फिरते ज्ञान बांटता था, तो जो पुस्तकालयों का स्वरूप था यह सूचना थी वो मौखिक थी। लाइब्रेरी का काम करता था एक व्यक्ति चिंतन या मनन, और सूचना थी वो थी मौखिक, वो व्यक्ति बोल बोल के या गा गा के सूचना देता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं समाज की कि यह समाज कब बना। समाज जब से इस संसार की उत्पत्ति हुई तब से समाज तो बन ही गया, तो समाज कब बना। सबसे पहले जो समाज था हमारा वो था आदिवासी या जंगली लोग, ऐसे ही रहते थे जैसे कि मतलब शिकारी युग था, व्यक्ति व्यक्ति को या व्यक्ति जानवरों को मारकर खा रहा था, तब भी पहले ये था। फिर उसके बाद शिकारी के बाद आदिवासी हुए, थोड़े से वो सभ्य हुए, उन्होंने जो जानवरों की खाल या पेड़ों के पत्तों के कपड़े वपड़े बना के पहनना शुरू किया, और पत्थर वत्थर थे उनसे उन्होंने शिकार करना चालू किया, तो वो शिकारी युग था। शिकार के बाद में शिकार तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो भूखे रहते, तो फिर उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे शिकारी के साथ साथ कुछ कुछ बागवानी, कुछ कुछ उन्हें लगा कि ये फूल पत्ते भी खाने लायक है, फूल पत्तों के कपड़े और खाने लायक है, जानवरों के कपड़े पहनने शुरू किए, और उन्होंने थोड़ा थोड़ा तो बागवानी उगाया। बागवानी के बाद में, बागवानी में भी यह है व्यक्ति को जहां खाना मिलेगा वहां जाएगा। समाज की उत्पत्ति कब होगी, जब एक जगह रह रहे हो, जब चार लोग चार दिन या कई दिन एक साथ रहोगे तभी तो वो आपस में एक दूसरे से जानेंगे, तभी समाज की उत्पत्ति होगी। तो समाज की उत्पत्ति हुई है खेती से, जब व्यक्ति ने देखा कि शिकार से और बागवानी से, अगर मान लीजिए जो सीजन है उसमें आप लोग के खाने की चीज है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद जब उसे खेती करना चालू की तो खेती को संभालने के लिए जरूरी हो गया एक जगह रहना, तब से समाज की उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब आपका आदिवासी युग है, शिकारी युग है, लेकिन समाज जो शुरू हुआ वो हुआ खेती हर समाज से। फिर खेती जब करने लगा, खेती अगर आप आज यहां कल यहां परसों यहां हो तो आपकी खेती खत्म,
तो आपको यह रहना पड़ेगा संभालने के लिए। तब लोगों ने एक झुंड में, एक गांव में, एक समुदाय में रहना प्रारंभ किया और तब से समाज की उत्पत्ति। फिर खेतिहर के बाद फिर आपका नेक्स्ट आया, वो आया औद्योगिक। खेती के साथ छोटे छोटे काम धंधे भी शुरू किए। फिर उसके बाद में काम धंधों में थोड़े थोड़े कलपुर्जे, मशीनें युग आया, तो वो पोस्ट औद्योगिक समाज आया। पोस्ट औद्योगिक के बाद फिर आया आपका सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और अभी हम जिस युग में रह रहे हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी। हम सब टेक्नो हैं, टेक्नोलॉजी के बिना एक सेकंड भी हम लोग जीवित नहीं है। मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, टेक्नोलॉजी है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, आपने घर वालों से कनेक्ट हो रही हो, टेक्नोलॉजी है। आप लैपटॉप या टैब या डेस्कटॉप पर बैठते हो, वो भी टेक्नोलॉजी है। जो भी है, अभी हम जिसमें जी रहे हैं वो है सूचना एवं तकनीकी समाज। तो समाज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोसाइटी से हुई है। लिखिए जहां इंग्लिश है वहां इंग्लिश ही लिखनी है। इसको अरस्तु बोलते हैं। नहीं है, बताया ना कल केवीएस में आपको जो फर्स्ट पेपर है उसके दो पार्ट हो गए। ए पार्ट में इंग्लिश हिंदी, बी पार्ट में जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, करंट अवेयरनेस भी है और रीजनिंग है। तीन चीजें हैं। तो ए पार्ट में 40% आने चाहिए, मतलब हिंदी इंग्लिश में 40% आने चाहिए, बी पार्ट में 40% आने चाहिए और सी पार्ट तो आपको पता है कि वो तो आपका है ही, मेन चीज है। लेकिन 40% तो लाना जरूरी है भाई। पूरे में ना, चार में से एक हट गया, कंप्यूटर है, बी पार्ट में कंप्यूटर है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में भी करंट अवेयरनेस ज्यादा आती है। तो उस तीनों में 40% हिंदी इंग्लिश में 40% और लाइब्रेरी साइंस है उसमें तो 40% तो लाना ही है। बट आपका तो वो उसी में, उसी से आपकी मेरिट बनेगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मुझे तो लगता नहीं बहुत मुश्किल, मतलब लेवल तो होता है पेपर का, बट मुझे लगता है कि पास करना तो आसान है। इतनी हिंदी इंग्लिश तो आपको आती होगी, 10वीं 12वीं पास हो तो इतनी हिंदी इंग्लिश आती होगी, मैथ्स रीजनिंग, इनके लिए क्या करना है आपको? फर्स्ट पेपर के लिए बच्चे परेशान होते, प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस कहां से करोगे? पुराने पेपर उठा के। इससे बेहतर कोई तैयारी नहीं हो सकती। केवीएस, एनवीएस, जीटीएसबी के बुक नहीं, आप वेबसाइट पर मिल जाएंगे केवीएस के पुराने पेपर। हाँ, प्रिंट आउट, और वो प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आपने फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी लाइटली लिया तो मैं आपको बता रही हूँ वाकई में बच्चा रह गया था। इसको ऐसा लाइटली नहीं लेना है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन तो नहीं, एज इट इज तो नहीं, बट पैटर्न सेम रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पिछली बार आया कि राम का ये कुछ किया, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आ गया। हाँ, आपको प्रैक्टिस के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप वही पेपर करो के पिछले साल, कोई भी कर रहे हो आप कॉम्पिटिशन, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। मैं आपको बताती हूँ सिलेबस और पेपर। सिलेबस तो आपका टारगेट है और पेपर आपको कैसे करना है, इस टारगेट को, इस लक्ष्य को कैसे भेजना है, वो दोनों चीजें हाथ में होनी चाहिए हमेशा। हाँ, 4 साल के बाद आई है और 23,000 वैकेंसी आई है।
23,000 वैकेंसी है टोटल मिला के, तो इसलिए फिर बहुत सारे लोग तैयारी करेंगे। और 13,000 है इट मे बी पॉसिबल, मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा, मेरे को तो लाइब्रेरियन का ध्यान है कि 355 पोस्ट है, ठीक है ना। चलो अरस्तु ने क्या कहा है लिखे, अरस्तु ने समाज की परिभाषा देते हुए लिखा, मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरी है अगस्त कामटे, इन्होंने कहा है समाज का अर्थ सामाजिक जीवों, सोशल ऑर्गेनिज्म से है। समाज का अर्थ सामाजिक जीवों या सोशल ऑर्गेनिज्म से है। तीसरी परिभाषा दी है मेलबर्न ने, सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। वेरी गुड, आप समाज सोशियोलॉजी से हो, सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, समाज का अर्थ है पसंद करना। एक और परिभाषा दी है मेलबर्न ने, समाज सामाजिक संबंधों की वेबसाइट है। समाज सामाजिक संबंधों की वेब है। सोशियोलॉजी मीन्स वेबसाइट ऑफ सोशल रिलेशन। सोसाइटी सोशल ऑर्गेनिज्म कहां पे बोल रहे बेटा? मेलबर्न की पहली परिभाषा सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, समाज का अर्थ है पसंद करना। अभी समझा दूंगी सारी, समाज का अर्थ है पसंद करना। और दुर्खिम आपने सुना होगा, ये भी बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या कहा है, सोसाइटी इज रियलिटी, मतलब समाज का अर्थ है वास्तविकता। लिख लो फिर एक एक परिभाषा में समझा दूंगी। लिख लिया बच्चों? कौन रह गया लिखने से? आप मैं ही ऑनलाइन स्टूडेंट हूं। दुर्खिम,
नहीं दिख रहा तो बच्चे ऑनलाइन वालों को भी, राम राम बच्चे, रवि यादव राम राम। फरवरी में एग्जाम नहीं होगा 100%। तुम क्या ऐसी अनऑथेंटिक बात कैसे कर रहे हो सोशल मीडिया पे? रोहित तुम क्या केवीएस के चेयरमैन हो? फरवरी में होगा वो भी 100% लिख दिया तुमने। अभी अभी मैंने बताया कि रूमर है या अफवाह है, ऐसी बातें नहीं किया करो, सूचना पड़ी है अभी अभी तुमने। एंड यू आर सेइंग दैट 100% 100% होगा एग्जाम तो कल हो जाए, मेरे पास तो सारी क्लास है, मैं तो अपलोड कर दूंगी, तुम्हें किस बात की क्या टेंशन है? आप हमसे जुड़ो, एग्जाम तो कल हो जाए, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि 100% फरवरी में होगा। बाकी बच्चों को भी वो करते हो आप, दिस इज नॉट फेयर। हम उस अभी उस पोजीशन पे नहीं है कि हम अभी जो केवीएस से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें कर सके, ये तो वही कर पाएंगे है ना, पावर भी नहीं है हमें ये सब बातें करने की। लिख लिया बच्चों, टीचर्स भी तो है कितने सारे उनके शुरू, हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ राम राम रवि। तो ये है आपकी, अरिस्टोटल ने क्या कहा, मैन इज अ सोशल, छोटी छोटी सी परिभाषाएं है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक जीव है, सोसाइटी का मतलब पसंद करना, जिससे आप पसंद करें उसके साथ रह रहे हो, वो आपका सर्किल है, वो आपका समाज है। और समाज सामाजिक फंडों की वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट में अगर मान लो आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की वेबसाइट है तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की सूचना देगी, और जो समाज का ग्रुप है उनकी वेबसाइट है, मतलब उन लोगों का ग्रुप है। और समाज का अर्थ है वास्तविकता, मतलब एक्चुअल में रियलिटी है, ये दुर्खिम ने कहा है सोसाइटी इज रियलिटी, वास्तविकता है, हर व्यक्ति समाज को, आपने देखा कि कोई ऐसा जो जीवन भर अकेले ही रह जाए, नहीं रह सकता, पागल हो जाएगा, तो ये वास्तविकता है, समाज के बिना हम नहीं जीवित रह सकते, दिस इज रियलिटी। चलिए अब हम देखेंगे समाज का विकास क्रम, मैं इसको लिखा दूंगी, अभी समझा मैं चुकी हूं आपको। उसको लिख लो बस खाली, जहां से क्वेश्चन आएंगे वो ये है जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, यहां से मैं समझा दिया एक लाइन में, बस इतना ही है, इसको लिख लो, पढ़ लेना एक बार, बाकी कुछ समझाने का इसमें है नहीं बच्चों। लिख लिया, समझा तो दिया मैंने, कुछ समझाने का है नहीं इसमें से, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन करें, बट है सूचना समाज, ओ समाज का अर्थ और विकास क्रम तो कर लिया हमने, आगे चले बच्चों।
अब हम देखेंगे सूचना समाज, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है बच्चों। अब ये सूचना समाज का मतलब क्या है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें, वो व्यक्ति जो सूचनाओं को प्राप्त करने में लगा है। और अभी जो हमारा समाज का स्वरूप है वो सूचना और तकनीकी समाज, हर व्यक्ति चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, वो पलंग पे पड़ा है, वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, वो भी ये जानना चाहता है कि आज की मेरी राशि में या दिन दुनिया में न्यूज़पेपर में क्या है। तो ऐसा समाज जहां पे हर व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है वो कहलाता है सूचना समाज। और हम लोग अभी इस समय जिस युग में रह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन तो प्राप्त करते हैं बट टेक्नोलॉजी से, टीवी है आपका या सोशल मीडिया है, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सभी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, सूचना समाज के अर्थ की, ऐसा समाज जहां अधिकांश व्यक्ति सूचनाओं की खोज में लगे हो या सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो या उत्सुक हो सूचना के लिए, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। एंड करेंटली वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, दस वी आर, हम जो है दैट इज सूचना समाज व्यक्ति, ठीक है। अब इसके बाद में अगर सूचना समाज की बात करें, इस शब्द को सबसे पहले 1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री, उन्होंने इसका परिचय कराया, वो थे फ्रिट्ज मैटलब। इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, वो इसको परिचय में लाए, प्रकाश में लाए यह सूचना समाज शब्द, यानी समाज इस वर्ड का। लेकिन इस वर्ड को सबसे पहले, यह सूचना समाज है, आपको पता है टेक्नोलॉजी सबसे पहले डेवलप हुई है वो जापान में, जापान अग्रणी देश रहा है। तो 1960s के दशक में, यानी कि 60s का दशक की जब बात हो जाती है, जब ऐसा हो कि 1960, तो इसका मतलब ना तो 60 होता है, ना तो 62, ना तो 65, इसका मतलब होता है 60 से और 69। तो 60 के दशक में सबसे पहले जापान में सूचना समाज दिखाई दिया। दिखाई कैसे दिया, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा। और विलियम जो मार्टिन थे जापान के, 1966 में उन्होंने सबसे पहले यूज किया सूचना समाज शब्द का, 1966। विलियम जे मार्टिन, बहुत बार पूछा गया है, हम एज इट इज याद करेंगे। सूचना के बाद आई नॉलेज, नॉलेज सोसाइटी शब्द को 1969 में पीटर एफ जकर ने प्रयोग किया। सूचना समाज के बाद नेक्स्ट स्टेप आई ज्ञान समाज, सूचना के बाद ज्ञान आया, तो ये ज्ञान समाज शब्द को 1969 में पीटर एफ जकर ने प्रयोग किया। उसके बाद आया आपका इलेक्ट्रॉनिक समाज, और इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी को पॉल जी जुरोकोवस्की ने 70 के दशक, यानी 70 से और 79 के बीच में प्रयोग किया। पॉल जी जुरोकोवस्की ने एक और शब्द का प्रयोग किया था, वो कौन सा है, अभी अभी लिखवाया मैंने, अभी अभी लिखवाया मैंने आपको, सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी 1974 में पॉल जी जुरोकोवस्की ने किया था, और इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी भी पॉल जी जुरोकोवस्की ने 70 के दशक में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लिखते हैं सूचना समाज का, सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थ। ऐसा समाज जिसमें शिक्षित अशिक्षित महिलाएं तथा पुरुष
शिक्षित अशिक्षित महिलाएं तथा पुरुष और बच्चों से लेकर वृद्ध तक और बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने को उत्सुक हैं, सभी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने को उत्सुक हैं। तो वह सूचना समाज कहलाता है, तो वह सूचना समाज कहलाता है। सूचना समाज की पहली परिभाषा दी है ब्रांसकॉर्ब ने। ऐसा समाज जिसमें अधिकांश व्यक्ति ऐसा समाज जिसमें अधिकांश व्यक्ति सूचनाओं के सर्जन सर्जन मतलब जनरेशन ऐसा समाज जिसमें अधिकांश व्यक्ति सूचनाओं के सर्जन संग्रहण प्रक्रियाकरण सूचनाओं के सर्जन संग्रहण प्रक्रियाकरण विश्लेषण तथा वितरण में लगे हो तथा वितरण में लगे सूचना समाज कहलाता है। मैंने नहीं देखा योगी, तो आपने क्या पूछा? सूचना समाज कहलाता है। मनीषा गुड मॉर्निंग। ऐसा समाज जिसमें अधिकांश व्यक्ति सूचनाओं के सर्जन संग्रहण प्रक्रियाकरण विश्लेषण और वितरण में लगा हो तो वो क्या कहलाता है? सूचना समाज। ठीक है, करते हैं कि नहीं? सर्जन कर रहे हैं जो लोग, लेखक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नए नए किधर है?